भदोही जिले में 108 एम्बुलेंस कर्मी का महिला मरीज को घर छोड़ने के नाम पर खुलेआम सुविधा शुल्क लिया गया है। पीड़ित परिवार ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। इस वायरल वीडियो पर अधिकारियों ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला डीग ब्लॉक के इनार गांव का है, जहां एक महिला मरीज को 16 फरवरी को 108 एम्बुलेंस से उसके घर छोड़ा गया। महिला को घर छोड़ने के बाद उसके परिवार से सुविधा शुल्क के नाम पर पैसों की डिमांड की गई, जिस पर घर वालों ने कहा ये तो सरकार की निशुल्क योजना है। जिस पर एम्बुलेंस में बैठी महिला आशा कर्मी ने कहा कि कुछ तो देना पड़ेगा, और एम्बुलेंस कर्मियों ने भी इसी बात को दोहराया, जिस पर परिवार के एक सदस्य ने एम्बुलेंस कर्मी को 500 रुपए का नोट दिया, जिस पर एम्बुलेंस कर्मी ने बेईमानी के इस धंधे को ईमानदारी से निभाते हुए 200 रुपए वापस भी दिए हैं। और इस दौरान परिवार के एक सदस्य ने पूरे मामले को अपने मोबाइल में कैद कर वायरल कर दिया है। इस बात की जानकारी परिवार के सदस्य नितेश सिंह द्वारा दी गई। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस से दो दो मरीजों को छोड़ा जा रहा है, जिसमें संक्रमण फैलने से एक दूसरे को जान का खतरा भी बन सकता है। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, ओबेदुल्ला असरी की रिपोर्ट। मैं सरकारी एम्बुलेंस जो है मरीजों को घर छोड़ रहा है या हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, वो उन लोगों से सुविधा शुल्क के नाम पे पैसे लेता है। मैम क्या है पूरा, कौन लोग थे वो लोग? एक प्रकरण मुझे कल पता चला है, एक मैसेज आया था आप ही लोग के माध्यम से, पत्रकार बंधु से ही हमको एक व्हाट्सएप मैसेज आई थी। तो उसमें हमको पता चला कि डी ब्लॉक में इनार गांव एक है, तो वहां पे एक पायलट का नाम कृष्णा है एंड टेक्नीशियन अनुज है एंड एक आशा को शायद मिल के जो पेशेंट को ड्रॉप करना था डिलीवरी केस से, उन लोगों से शायद 500 रुपए लेके 200 रुपए शायद वापस कर रहा था। तो स्पष्ट है कि वो 300 रुपए लिए। इस विषय में जो यहाँ पे हम लोगों की प्रोग्राम मैनेजर है, एम्बुलेंसेज जो देखते हैं, उनसे हम एक उनसे एक्शन लेने के लिए हम इन्फॉर्म किए। क्योंकि ऐसा बात है, हम फोन किए कोरोना डिग ब्लॉक पे एम्बुलेंस के लिए, तो एम्बुलेंस आया यहाँ पे छोड़ने के लिए, बट ले नहीं गया। वो छोड़ने के लिए आया तो हमसे पैसा लिया। तो क्या एम्बुलेंस सरकार ने दी है पैसा लेने के लिए, या फिर सरकार अपनी तरफ से दी है? 300 रुपया हमसे मांगा वो, तो मैं 500 का नोट दिया मैंने, वो 300 रुपया लेकर 200 रुपया हमको वापस कर दिया। और उसके बाद एक एम्बुलेंस में दो मरीज लेकर आया था, तो एक एम्बुलेंस में एक मरीज आता है, एक दो मरीज आता है। तो आशा की ये रोइया था, वो बोली कि मुझे आप 100 रुपया दीजिए, मैं वहाँ पे आपका नंबर सबसे पहले लगवा दूंगा। तो मैं बोला कि हम पैसा वैसा नहीं देंगे, मैं जितना नंबर आएगा हम उतना नंबर पे अपना हम अपना ऑपरेशन करवाएंगे। तो 100 रुपया मुझसे मांग रही थी, बट हम पैसा उनको नहीं दिए। वो घर पे आई, यहाँ पे भी पैसा मांग रहे थे, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। मैम आए दिन शिकायत मिलती थी कि जो सरकारी एम्बुलेंस है उससे मरीजों को लाया जा रहा, पहुंचाया जा रहा है, और उससे पैसे की डिमांड की जा रही है। इस बार वीडियो भी आया पैसे लेते हुए, क्या कहा जाएगा, कहेंगे आप? ये वीडियो में संज्ञान में आया है कि किसी एम्बुलेंस ड्राइवर ने पैसे लिए हैं, तो ये बहुत गंभीर प्रकरण है। जो एम्बुलेंस सेवा है वो निःशुल्क होती है, इसमें यदि कोई पैसा ले रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है। इसकी मैं वीडियो की जांच कराऊंगी, और यदि इसमें जो आरोप हैं वो सिद्ध पाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई ड्राइवर के विरुद्ध की जाएगी। मैम इससे पहले भी दिखा गया कि कई जगह लोग पैसा लेते रहे, लेकिन कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। मेरे संज्ञान में अभी आया है क्योंकि मैंने जिला अभी ज्वाइन किया है, तो इसको मैं जांच करा के कार्रवाई कराऊंगी।